सब्सक्राइब कीजिए प्रिंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना तुरंत आपको मिले। आपके प्रश्नावली 3.2 गात एवं गातान सवाल नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। 3 तक पहले बता देते छोटे सवाल में लिखा है मान ज्ञात कीजिए और इस सवाल पे हिंट भी लिखी हुई है। हिंट का मतलब है इसको हल करना है, मतलब तो गुण जोड़ बाकी गुणा भाग जो भी हो। अब इसमें क्या करेंगे हम इनको घातों के रूप में बदल लेंगे। इसके रूप में बदलेंगे घातों के रूप में। तो चलिए इसके टुकड़े करते हैं, गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले किसके गुणनखंड करेंगे? 31 25 के। इकाई का अंक कितना है? 5। अगर इकाई का अंक 5 है तो उसमें सोच लो किसका भाग जाएगा, या तो 3 का जाएगा या 5 का जाएगा। देखो 3 एकम 3 4 3 12 और फिर 5 में नहीं जाएगा 3, तो किसका देना पड़ेगा? 56 एक बज गया 12 हो गया, 5 दूनी 2 बज गया 25 हो गया, 55 फिर 5 का 5 एकम 5 कितनी बार? 125 फिर 5 का 25 बार फिर 5 का 5 बार फिर 5 का 1 बार एक बार धीरे बोलना। बताओ बेटा 5 कितनी बार है? 1 2 3 4 कितनी बार आए? 5 बार 5 बार 5 बार 5 कितनी बार है? 5 बार। अब इनटू अब इसके टुकड़े करेंगे किसके? 1200 चिन्ह 1200 चिन्ह में लिखेंगे किसका भाग जाएगा? 2 का, क्योंकि इकाई का अंक सम संख्या है 2 का। 2 का यहाँ 6 बार, 2 का यहाँ 4 बार, 2 का यहाँ 8 बार, ठीक है ना। फिर किसका जाएगा? 2 का। 3 दुनी 6, 2 दुनी 4, 4 दुनी 8, फिर 2 का 2 एकम 2, 6 दुनी 12, 2 दुनी 4, फिर 2 का 8 दुनी 16, 2 एकम 2। अब देखो किसका जाएगा? 3 का। 3 का जाएगा 3 दुनी 6, कितना बच गया? 2। कितना हो गया? 21। 7 किया 21, फिर 3 का 9 बार, फिर 3 का 3 बार, फिर 3 का 1 बार, ऐसे टुकड़े कर लेंगे। तो बताओ बेटा 2 कितनी बार आए? 4 बार। ये 2 तो आए 4 बार, गुणा 3 कितनी बार आए? 4 बार। ये 3 भी आए 4 बार। इसको भी मिटा देता हूँ, इसको कर लोगे ना तुम लोग गुणनखंड को? तो देखो अबे आगे क्या है आपके, ये आपके 65 61, ये आपके 65 कितना है? 61। इसके भी करने हैं आपको टुकड़े। टुकड़े बताओ पीछे इकाई का कौन सी संख्या आ रही है? कौन सी संख्या आ रही है? ए आ रही है, मतलब एक आ रहा है। एक आ रहा है तो मतलब यह तो भाग जाएगा 3 का या 5 का या 7, कैसे विषम संख्या का भाग जाएगा 3 का। देखो देखो 3 दुनी 2 बार, ठीक है, 3 एकम 3, कितना बचा? 26 हो गया, 8 3 24, 2 बच गया 21 हो गया, 7 3 21, फिर किसका जाएगा? 3 7 3 21, 3 दुनी 6, 2 बच गया 27, 9 3 27, फिर 3 का 3 का जाएगा ना 3 दुनी 6, कितना बच गया? 1, 12 हो गया, 4 3 12, 3 3 9, फिर किसका? 7 का 8 3 24, 8 3 एकम 3, फिर 3 का 27 बार, फिर 3 का 9 बार, फिर 3 का 3 बार, फिर 3 का 1 बार, हो गया। अब 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 कितनी बार है? 8 बार, 3 आ गए 8 बार, गुणा। अब 1875 की भी क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। 1875 क्या करेंगे? गुणनखंड। अब देखो गुणनखंड करेंगे तो बताओ क्या है 1875। अब बताओ बेटा पीछे इकाई का अंक कितना आ रहा है? 5, या तो भाग जाएगा 5 का या भाग जाएगा 3 का। अब देखो 3 का दे देते हैं 36, 3 दुनी 1 बच गया 3 बच गया। अब बताओ 3 का जाएगा क्या? नहीं, 5 का जाएगा। किसका जाएगा? 125 बार। 5 का कितनी बार? 125 बार। 5 का कितनी बार? 25 बार। 5 का? 5 बार। 5 का? 1 बार। तो देखो 3 तो कितनी बार है? 1 बार। 5 कितनी बार है? 4 बार। 5 की घात 4। ऐसे हम टुकड़े कर लेंगे और टुकड़े करके उनको किसके रूप में बदल लेंगे? घातों के रूप में। अब वो नियम लगाएंगे कौन सा वाला, अगर आधार समान तो अगर संख्या गुणा में तो घातें जुड़ जाएगी, और अगर आधार समान और संख्या भाग में तो घातें क्या हो जाएगी? जाएगी। अब देखो यहाँ
ये देखो ये दोनों यहाँ गात कितनी है आठ, यहाँ गात कितनी है तीन है ना, एक एक गात कुछ नहीं है तो कितनी है देखो आधा समान संख्या गुणा में तो गातों को जोड़ लेंगे। अब यहाँ देखो पांच की गात कितनी है तो यहाँ पांच की गात आधार समान और संख्या भाग में तो गाते क्या हो जाएगी माइनस करो माइनस पांच की गात पांच में से कितना घटाएंगे चार। अब देखो इनटू दो की गात ऊपर ही है ये दो की गात चार अब भाग में ये देखो कितनी हो गई तीन की गात आठ प्लस एक क्योंकि यहाँ संख्या गुणा में आधार समान है तो गाते जुड़ गई और ऊपर वाली गात क्या होगी कितनी गात चार माइनस चार हो जाएगी ना ये समझे और आगे ना अब देखो हम करेंगे आगे बताओ बेटा पांच में से चार घटेगा तो एक और दो की गात कितना चार अब देखो आठ और एक कितना हो गया नौ में से चार गया तो तीन की गात पांच अब हम करेंगे पांच का तो पांच इंटू दो की गात चार दो दुनी चार दुनी सोलह अब तीन की गात कितनी तीन गुणा तीन गुणा तीन गुणा तीन तीन दिया बहुत ही सताईस दिया इक्यासी दिया दो सौ तियालीस दो सौ तियालीस आने लग जाएंगे याद हो जाएंगे तुम्हें ये सब सोलह पंजियों अस्सी अस्सी बट्टा दो सौ तियालीस आगे सुनने अगर ये कमाया हो तो वो देखो ये वाला गातों का यहाँ विशेष ध्यान रखना देखो यहाँ क्या किया था मैंने ये देखो आधार समान था संख्या भाग में थी गाती क्या हो गई माइनस अब दो वाला नहीं था नीचे तो इसको ऐसा कैसे लिख दिया अब तीन की घात आठ और तीन की घात एक संख्या गुणा में थी तो गाते जुड़ गई लेकिन ये वाली संख्या किस में थी भाग में ठीक है ना तो गाते क्या हो गई यहाँ घट गई एक स्टेप और कर लेना तुम लोग है ना मैंने एक स्टेप कम कर दी। आप देखो ये वाला इसके भी ऐसे टुकड़े करेंगे पहले करो टुकड़े बताओ सबसे पहले किसके करेंगे पंद्रह सौ किसका जाएगा सात दुनी एक बज के तेरह हो गया छह दुनी आठ दुनी फिर दो का तीन दुनी आठ दुनी चार दुनी आठ फिर दो का दो एक नौ दुनी दो दुनी फिर दो का नौ दुनी छह दुनी फिर दो का चार दुनी आठ दुनी फिर दो का चौबीस फिर दो का फिर दो का फिर दो का फिर तीन का कंप्लीट हो गया। अब गिलो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दो कितनी बार है दो बार है आपके नौ बार इंटू तीन कितनी बार है ठीक है। अब इसी प्रकार 972 के भी करेंगे टुकड़े किसके करेंगे 972 पीछे सम संख्या है तो किसका भाग जाएगा चार दुनी एक बज के कितना हो गया सत्रह आठ दुनी एक बज के बारह हो गया छह दुनी फिर दो का दो दुनी चार दुनी तीन दुनी अब बताओ इसमें किसका जाता है किसका जाता है तीन का आठ दिया तीन एकर फिर किसका तीन का सत्ताईस बार फिर तीन का नौ फिर तीन का तीन बार फिर तीन का एक बार बताओ दो कितनी बार है दो बार ये इंटू दो तो है दो बार और तीन कितनी बार है ये तीन है कितनी बार पांच बार। अब ये दोनों का करेंगे नीचे वाले संपर्क का सर वो आ रहे हैं ना चार सौ ये देखो ये चार सौ छियासी है चार सौ छियासी दिए हो गए योगे चार सौ छियासी के करके नहीं जरूरत ही नहीं है ना योगे चार सौ छियासी के बताओ चार सौ छियासी के दो तो कितनी बार एक बार तीन कितनी बार ये तीन है पांच बार इनटू अब बचा 1152 तो 1152 का करना पड़ेगा ऐसे कर लिया करो ताकि जल्दी हो जाए और अपने जल्दी भी नहीं होगी है ना। अब ये आपके कितना है आपके 1152 दो का भाग जाएगा पांच दुनी एक बज के पंद्रह हो गया सात दुनी छह दुनी दो का दो दुनी आठ दुनी सोलह दो दुनी चार सत्रह हो गया आठ दुनी सोलह फिर वापस सोलह हो गया तो आठ दुनी सोलह फिर दो का दो एक चार दुनी फिर दो का सात दुनी दो दुनी फिर दो का तीन दुनी छह दुनी फिर दो का अठारह फिर दो का नौ तीन का तीन का आगे सुनिए
दो कितनी बार आए? एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात बार है। दो की घात कितनी है? सात। तीन कितनी बार है? दो बार। तीन की घात कितनी है? दो। अब वो नियम लगाएंगे माइनस प्लस वाला। अगर आधार समान तो घातों को क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे? देखो ये देखो आधार समान है और संख्या गुणा में है तो घाते क्या होगी? जुड़ जाएगी। यहाँ भी आधार समान संख्या गुणा में तो घाते क्या होगी? जुड़ जाएगी। पहले जोड़ लो फिर बाद में घटा देना। दो की घात नौ और आधार समान है, बता बेटा दो की घात नौ प्लस कितना हो गया? दो इंटू, यहाँ भी देखो आधार समान है तो दो तीन की घात एक प्लस पाँच हो गया। अब नीचे यहाँ भी आधार समान है, दो की घात एक प्लस सात, यहाँ भी आधार समान है, तीन की घात पाँच प्लस दो। अब यहाँ देखो दो की घात कितनी हो गई? तीन की घात कितनी हो गई? दो की घात कितनी हो गई? तीन की घात कितनी हो गई? ठीक है ना। अब वो नियम लगाएंगे दूसरा, अगर आधार समान और संख्या किसमें हो? घातों को क्या कर देंगे? घटा देंगे। अब देखो यहाँ दो की घात ग्यारह में से क्या घटाओगे? आठ बटा तीन की घात सात में से क्या घटाओगे? छह। अब यहाँ देखो दो का तो ग्यारह तीन और नीचे एक, तीन की घात एक ही बची। अब बताओ दो की घात तीन का मतलब कितना होता है? दो दुनी चार, चार दुनी तीन, कम तीन कितना गया? आठ बटा। आगे दोनों समझ में।